कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट BA.2 को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ती जा रही है। नेचर में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक BA.2 COVID-19 के एंटीबॉडी ट्रीटमेंट में जुटे डॉक्टर्स को दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकता है। ये रिपोर्ट कई अध्ययनों पर आधारित है। इससे पता चला है कि BA.2 को बेअसर करने के लिए स्ट्रोविमैप की क्षमता में भारी गिरावट देखी गई है, जो कि कोरोना के कुछ उपचारों में से एक है। NYU ग्रॉसमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अमेरिकी शोधकर्ता की टीम ने पाया है कि ओमिक्रॉन BA.2 रेजेंड्रॉन एलिलिली और सेट्रोविमैब और इवुशील्ड चिकित्सीय मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से निष्प्रभावी नहीं हुआ है। रिसर्च बताती है कि रिजल्ट SARS-CoV-2 के खिलाफ व्यापक रूप से बेअसर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की पहचान करने में कठिनाई पाते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी वेगलॉस कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन के शोधकर्ताओं की एक अन्य टीम ने पाया है कि BA.2 ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को निष्क्रिय करने वाले 19 में से 17 के लिए प्रतिरोध दिखाया है, जिसने BA.1 के खिलाफ असर दिखाया था। दोनों अध्ययनों की अभी तक एक साथ समीक्षा नहीं की गई है और ये प्रीप्रिंट में उपलब्ध है। प्रयोगशाला में मिले नतीजों का ह्यूमन ट्रीटमेंट के दौरान क्या होगा असर? कोलंबिया विश्वविद्यालय के वायरोलॉजिस्ट और अध्ययन के सहलेखक डेविड हो ने कहा है कि प्रयोगशाला में मिले नतीजे ह्यूमन ट्रीटमेंट के दौरान अलग भी हो सकते हैं। हो ने कहा कि हम सिर्फ इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि BA.2 में प्रयोगशाला में सिट्रोविमैब के लिए काफी प्रतिरोधी है, जिसमें कि सवाल उठता है कि क्या आप रोगियों में BA.2 को पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। भारत, चीन और डेनमार्क में BA.2 के मामले बढ़ रहे हैं। BA.1 अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों में वेरिएंट ऑफ कंसर्न बना हुआ है। भारत, चीन और डेनमार्क में BA.2 के मामले बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि ओमिक्रॉन का BA.2 वेरिएंट मूल से ज्यादा गंभीर नहीं है। WHO के सीनियर अधिकारी मारिया वॉन कैरखोव ने कहा है कि BA.2 की तुलना में BA.1 से रोग की गंभीरता में कोई अंतर नहीं मिला है। इनमें गंभीरता का स्तर समान है, जो कि अस्पताल में भर्ती होने की जोखिम से जुड़ा हुआ है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।